अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो अबाउट द सक्सेसफुल पीपल। तो मैं जल्दी से अपने पेरेंट्स ऑफिस में आया हूँ और मैं आपको यहाँ से मेथड बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पता लग सकता है कि आप दो तरह के लोगों में कैसे अपने आप को कैटेगरी करके कर सकते हैं कि कौन दोनों को अलग अलग हम किस तरह समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं जनाब जो केस स्टडी उन लोगों ने की है जो कि एंटरप्रोर और हमारे मुल्क के माइनर्स लोग हैं, उनकी रिसर्च बेस पे आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये जनाब केस स्टडी वन और केस स्टडी टू है, ठीक है जी, नंबर टू। तो ये दो केस स्टडी हमारे पास आ गई हैं। केस स्टडी वन में वो कहते हैं जनाब ये जो लोग होते हैं ये काफ़ी स्किल्ड होते हैं, उसके अलावा स्किल्ड इनमें काफ़ी होती हैं, स्किल्ड होती हैं, और इसके अलावा जनाब लेकिन इसमें लेकिन ये होता है कि इनमें बट इसको आप ये कह रहे हैं कि स्किल्ड तो होती है लेकिन बट नो वैल्यूज, ठीक हो गया। जबकि दूसरी तरफ केस स्टडी नंबर टू में ये कहती है कि स्किल्स तो इनमें स्किल्स जो हैं वो क्या हैं, स्किल्स की बात की जाए तो स्किल इनमें है SO, ठीक हो गया। और जबकि इनकी जो वैल्यूज हैं वो काफ़ी हाई हैं, हाई वैल्यूज, ठीक है, ज़्यादा इकदार के वो मालिक होते हैं, ठीक है, हाई वैल्यूज इनमें होती है क्योंकि ये इकदार के ज़्यादा मालिक होते हैं और इनका इकदार जो आला होता है और की जो महारत है वो मुनासिब महारत होती है केस स्टडी टू के, जबकि केस स्टडी वन के जो हैं इनमें कोई खास वैल्यू नहीं होती है और उनकी काबिलियत अच्छी होती है, ठीक है। और इनका कहते हैं जब भी केस स्टडी वन वालों का बंदों का जवाब ढूंढा तो हमेशा उनका जवाब क्या आया है, फेलियर में जवाब मिला है। इनका जवाब इनको क्या मिला है जनाब, फेलियर में। तो इसका मतलब ये है जनाब कि अब जो फेलियर आया है इसमें नो वैल्यूज इनके अखलाकियात की कमी भी है। फेलियर से ज़्यादा ख़तरनाक वो कहते हैं ये चीज़ है कि जो बंदे का नुकसान हो गया और उस बंदे को कोई उसका नाकामी है तो उसको पता ही ना हो, अगर ये पता ही नहीं है उसको कोई तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर पता लग गया कि मेरे साथ ये ख़राबी है तो बंदा उसको ठीक कर सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होगा तो वो ठीक कैसे करेगा। आप नाकाम हो तो आपको पता ही नहीं है कि आप नाकाम हैं। और इस तरह के जो कस्टडी के लोग हैं उनकी क्या कहते हैं जनाब, मार्केट वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उनका जो मार्केट में क्रेडिबिलिटी वो नहीं होती, उसके अलावा उनका जो ना भी कोई वैल्यू वर्थ नहीं होती मार्केट में, नाम अच्छा नहीं होता, ठीक है, उन पर उनका जो जवाब फेलियर में आता है। और उनका जो कहते हैं जी प्रोफेशन अच्छा नहीं है हमारा, उसके अलावा फैक्ट्री में अगर काम किए तो काम अच्छा नहीं करके छोड़ेंगे, कोई ना कोई नुकसान करके छोड़ देंगे, उनकी मार्केट में कोई वैल्यू वर्थ नहीं होगी, वादा करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें इनके इस कैटेगरी के लोगों में आ जाती हैं। और उनकी नो वैल्यूज़ का ये निशानदेही की जाती है कि इस केस स्टडी के अंदर। जबकि दूसरी केस स्टडी की बात की जाए दोस्तों स्किल्स और इसमें हाई वैल्यूज़ की बात की जाए तो इसमें ये चीज़ें क्या कहते हैं कि इसमें वो चीज़ों को वो जो अगर खराबी हो गई या उसको क्या कर सकते हैं, बेटर वो कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बंदा इतना काबिल नहीं होता लेकिन वैल्यूज़ उनकी बहुत हाई होती हैं और इसको हम कहते हैं कि इस सक्सेस के ज़ुमरे में आ जाता है, ठीक है, ये सक्सेस के ज़ुमरे में आ जाता है। और इसके अलावा इसकी में जो महारत बंदे की कम भी हो तो तब भी वो मुनासिब स्किल उसमें होती हैं। और इसके लिए लाजमी नहीं है कि वो 200 और 500 जनाब उसके पेपर उसने लिखे हों बंदे ने, उसके पास 2 PhD, 3 PhD की डिग्रियाँ हों, 5 यूनिवर्सिटी से उसके उसका टैग लगे हों, ठीक है, कोई ज़्यादा महारत की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये है कि उसका उनका जो है ना उसका सक्सेस का मतलब जो है ना लाइफ के अंदर जो है 7 एरिए हैं उसमें आपने अच्छे नंबर गेन किए हों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आपको सक्सेस और इसमें जो ज़्यादा दो कैटेगरी लोग हमने बताए हैं, ठीक है, वो आपको उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ कोई ना कोई बात समझ आ गई होगी। तो अगर आप समझते हैं कि वीडियो मेरी अच्छी है तो इसको आप लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।